नहीं आलू बेचना चाहिए किसान का, जो रोके ना कतई और चिपसोना जैसे जहाँ तक है मेरे मऊ से खरीदत है। हम तो लाल आलू ज्यादा तक लेते, मऊसा है, सूरज है, राम मिलन है, इनकी मान्य मुच्छे साफ हुई गई, आलू खरीदे खरीदे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत, मैं हूं आपके साथ राजीव। सबसे पहले आपको दिखाएं कोल्ड के बारंदों की स्थिति। बारंदे की अगर बात की जाए, जैसा कि लोग कहते हैं कि अगस्त के महीने में निकासी कम होती है, इस समय महावीर कोल्ड स्टोरेज में है और बारंदा आप देख सकते हैं इधर उधर पूरा फुल है। तो इस समय की अगर बात की जाए तो कोल्ड में लगभग अनुमानित हमारा अनुमान तो वह था कि 1000 गाड़ बोरी आज की आलू की कटाई होगी। तो मैंने साहब भी है और धुआंधार व्यापारी मुलायम सिंह जी और मुलायम सिंह यादव के हमारे आटी के रहने और मुलायम सिंह के मौसा जी है, आटी के रहने वाले हैं और सोना के धुआंधार व्यापारी मुलायम सिंह जी खड़े हैं। बोलो बोलो, हम क्या बोले? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मौसा जी से, और क्या पोजीशन चल रही है? मुलायम सिंह भैया चले गए, तो मौसा जी बताओ चिपसोना का तो व्यापारी क्या पोजीशन चल रही है? बढ़िया चिपसोना 450 से पौने 500 के ऊपर नहीं है अभी, बीच में 570 तक बिक गया था। तब बाजारे थी, आज बाजारे कट गई है। अब कट गई है, तो अब क्या उम्मीद लग रही? अब आलू बेचना चाहिए किसान को, उम्मीद तो नहीं ज्यादा जैसे किसान महीना 15 दिन ना आवे तो बाजार बढ़ जाएगी। महीना 15 दिन अगर ये आलू बैलेंस होगा वो कहाँ जाएगा? तो जब आगे आगे देखो जी, बेचो जी आगे, अब किसान आओ तो बाजार डाउन हो रही। क्षेत्र में गए तो क्षेत्र किसान कह रहे हैं कि 15-20 सितंबर से हम लोग आलू गाड़ना चालू कर देंगे और दीपावली का आलू आ जाएगा। आज भी हमने अलेंट 455 रुपए तक लई। अरे वो नहीं नहीं यार, मतलब नया आलू दीपावली तक मार्केट में आ जाएगा। दीपावली इतना डबल करवा चौथ पर रहे, कहाँ यहाँ आई जी डबल करवा चौथ पर? हाँ तिवारी जी कह रहे ना, इन्हें अपनों पत्थर हम देखो डबल करवा चौथ पर रहे। बात ये है आलू बात कही जाए तो आलू में अगर क्या लगता है कि आलू को उम्मीद आगे गड़बड़ है पूरी। हाँ आलू बेचना चाहिए किसान का, जो आज तारीख आईलैंड के तरफ 425 लेके 30 रुपया तक सही भाव है, एक नंबर यही भाव ले रहे हैं लोग। तो मेरे 400 में बिक रहा है ना, हम 400 में लो जैसे आलू मिल रहे तो भाव लग रो हाइब्रिड वगैरह का। हाइब्रिड 200 लेके 250 रुपया, 200 लेके 250। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में थोड़ी न्यू आइलैंड आलू के भाव में महंगाई नजर आ रही। तो मैनेजर साहब है, मैनेजर साहब ये बताइए अपने कोल्ड निकासी क्या पोजीशन है? निकासी हमारे बढ़िया ठीक चल रही है। कितने परसेंट पहुँचा दो? अरे पहुँच गई है समझ लो 40 क्रॉस हो गए, 40% से यहाँ 45 के आसपास। हाँ 65 जगह निकल चुकी है मेरे यहाँ, अपने यहाँ तो अब पक्की वाली बुआई वाला आलू तो 20 सितंबर के बाद निकलता होगा। हाँ 20 सितंबर के बाद निकलेगा कच्ची वाला। कल हम लोग उत्तरवा क्षेत्र में गए तो किसान कह रहे कि भैया 15-20 सितंबर हम लोग गाड़ना चालू कर देंगे। तो आप लोगों के पास दीपावली तक का समय है? हाँ दीपावली तक टाइम है, 2 अक्टूबर तक निकलेगा सब आलू कढ़ाई वाला सब। तो क्या लगता है कि दीपावली तक निकाल देंगे अपने? कोशिश तो यही निकालने की, अब बात साथ फंस जाए आलू, फंसने के यार तो है ही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। किसान मौसम सही है तो आलू जल्दी कट जाएगा, जल्दी आएगा समय। किसान का समय चलता रहा तो देर निकल जाएगा आलू, अगर किसान रुक गया तो आलू निश्चित बिकेगा। इस क्षेत्र में अपने क्षेत्र में निकालती भी बढ़िया मानी हो क्षेत्र? हाँ ठीक चल रही मानी भाई। अगर बात की जाए बीज वाला आलू लगभग कितने परसेंट अपने कोल्ड से जाता होगा? 20 से 25 हजार बोरी। 20 से 25 हजार का मतलब अगर माना जाए तो 10-15% जाता है। बस यही जाएगा और क्या। तो अगर देखा जाए तो कुल मिला के मैंने हिसाब का कहने के मुताबिक कि लगभग मैं अभी राशन का आलू 40% इस कोल्ड स्टोरेज में है, और महीने की अगर बात की जाए तो अगस्त का हम लोग लास्ट कगार में बैठे, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने बीच में बचे हैं। अब क्या आलू बेच रहा है किसान, रोके ना आलू? तो आप जैसे लोग अगर कहेंगे किसान रोकेगा तो फिर मामला गड़बड़। मैं बोले तो हम कैसे बोले? हाँ हम ही बोल ही रहे, उधर से कोई आवाज ही नहीं। नहीं तो आप जब उस चीज को कहेंगे तो किसान अंदर वो विचारधारा नहीं पहुंच जाएगी? नहीं आलू बेचना चाहिए किसान का, जो रोके ना कतई और चिपसोना जैसे जहाँ तक है मेरे मऊ से खरीदत है। हम तो लाल आलू ज्यादा तक लेते, मऊसा है, सूरज है, राम मिलन है, इनकी मान ले मुच्छे साफ हुई गई, आलू खरीदे खरीदे। आलू बेचना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए किसान का। कुल मिला के आलू बेचना चाहिए और रोकना नहीं चाहिए, ये तो मुलायम सिंह भाई हमारे जो है वो कहीं ना कहीं बीच बीच मजाक करते रहते हैं। और स्थिति की अगर बात की जाए तो स्थिति इस क्षेत्र में सामान्यजनक है, और इसके बाद कोल्ड की निकासी की अगर बात की जाए तो निकासी लगभग में 1000-1200 तक की कटाई है, और क्या स्थिति होगी उसका अपडेट आपको देते हैं।